दो सीटों के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तो नहीं बदला, लेकिन अब भीतर में जो बातें चल रही हैं उसकी चर्चा खूब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित रूप से कर दिया है कि वो मास्टर हैं और मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं, ये बातें उन्होंने साबित कर दी है। उपचुनाव में प्रचार करने से परहेज कर नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक दाव खेला है। क्या है दाव हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि विरोधियों के निशाने पर भी नीतीश कुमार हैं और ये निशाना इसलिए है कि आखिर वो चुनाव प्रचार करने क्यों नहीं गए, उनके खुद नहीं जाने को लेकर के जहां उनके विरोधी इस पर लगातार हमला कर रहे हैं, वहीं उनके साथियों में इस बात को लेकर के भीतर ही भीतर भले जो कुछ भी हो लेकिन सामने खुल करके कोई भी बात नहीं कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की ताकत और कमजोरी दोनों क्या है इस उपचुनाव में नहीं पता चले, ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। और लोगों के सामने नीतीश कुमार की ताकत खुल करके ना आ जाए इसलिए नीतीश कुमार ने कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार से अपने आप को दूर रखा। बात इतना ही नहीं है, वो ये भी देखना चाहते थे कि जो वर्तमान परिस्थिति है और महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लड़ाई है वो किस दिशा में जाती है, क्या कुछ सामने आता है, ये बातें देखना और समझना चाहते थे। एक बात और थी कि नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता को कम या ज़्यादा नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ एक अपील करके अपने आप को चुनाव में बनाए रखे। पिछले कुछ दिनों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ साथ अन्य लोगों की लगातार नोकझोंक हो रही है। इस नोकझोंक में जिस तरह से नीतीश कुमार इन लोगों के साथ संबोधन कर रहे हैं और जिस तरह से बच्चा कह रहे हैं उसको लेकर के अलग तरह से राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन दूसरी सबसे जो मजबूत बात है जिसको लेकर के नीतीश कुमार पर लगातार हमले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहने का और बताने का कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रचार नहीं करने पर नीतीश कुमार को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो किसी भी बड़े रोल में उनका कोई जो सहयोग होता है या फिर भागीदारी होती है वो नहीं रही है। सब कुछ साफ साफ क्लियर हो गया है। इसी बात को लेकर के आरसीपी सिंह ने भी हाल फिलहाल में कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये एक्सपोज हो गए हैं नीतीश कुमार, जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं वो उसकी थी, राष्ट्रीय जनता दल को भी वही सीटें आई हैं, लेकिन वोटों के अंतर को देख करके मोकामा में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अपना वोट ट्रांसफ़र कराने में असफल रहे और वो वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गया है। लगभग 20,000 वोट पड़े हैं, इसका हवाला देते हुए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात और कही जा रही है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ गए हैं और किसी भी तरह वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। चुनाव में उतरने से आखिर नीतीश कुमार क्यों कतरा रहे थे, ये बातें कहते हुए कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने पिछले ही चुनाव में कह दिया था कि अब वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे। पहली बार नीतीश कुमार 1977 में हरनौत विधानसभा से प्रत्याशी बने थे लेकिन चुनाव हार गए थे। हालांकि 1985 में इसी सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे, 1989 में पहला और 1991 में लगातार दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते। नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वह एक भी विधानसभा में के चुनाव में नहीं उतरे हैं। वह हमेशा विधान परिषद के सदस्य के रूप में पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमाए हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के विरोधी के साथ साथ महागठबंधन के भी कई नेताओं का भीतर खाने में एक कहना है और ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ये सारी रणनीति और राजनीति कर रहे हैं। एक्सपोज होने से नीतीश कुमार डर रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव में उन्हें लगता है कि महागठबंधन में रह करके वो कुछ सीटें हासिल करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ले आएंगे, लेकिन शायद ये नीतीश कुमार के लिए टेढ़ी खीर हो, ये बातें लगातार कही जा रही हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ 2024 और 25 के चुनाव में उतरने का प्लान बनाना शुरू कर चुकी है। इस दो सीटों के उपचुनाव के बाद और कुढ़नी में
जो उपचुनाव की घोषणा हुई है उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संदेह व्यक्त कर रही है कि नीतीश कुमार उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ छल करेंगे, ये साफ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले एक सीट का जो उपचुनाव होना है कुढ़नी में, उसके क्या मायने होते हैं, क्या रिजल्ट निकलते हैं और किस तरह से सामंजस्य बिठा करके महागठबंधन और NDA चुनाव लड़ता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।